नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति देव के कुंडली के आय भाव यानी कि 11th हाउस। 11th हाउस जो हमारे बड़े भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आय, हम जीवन में कितना कमाएंगे, किस तरह से कमाएंगे, इस चीज को दर्शाता है। और इसके साथ ही ये हमारी इच्छा पूर्ति, देखिए जो हमारी डिजायर होती है, इच्छा पूर्ति इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति होगी या नहीं होगी, इस चीज को 11th हाउस में देखा जाता है। कई बार हमारे बहुत ज्यादा सपने होते हैं कि जीवन में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ये सब चीजें कई बार घटित होती हैं और कई बार आदमी सोचता रहता है और कुछ भी उसे नहीं मिल पाता, ये चीजें अचानक से जीवन में उसे प्राप्त हो जाती है। ये सब 11th हाउस की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि 11th हाउस किस कंडीशन में है, शुभ है तो ये चीजें उसे प्राप्त होंगी। उसके बड़े भाई बहन जो है उनकी कंडीशन अच्छी होगी, उनके साथ संबंध उनके अच्छे होंगे, वो संपन्न होंगे और आपकी आय भी जो है वो बहुत अच्छी होगी जो आप रूटीन में कमाते हैं। धन धन की बात नहीं होगी क्योंकि धन है सेकंड हाउस। आप कमाते कितना है ये अलग मैटर है, आप बचाते कितना है ये अलग मैटर है। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा कमाते हैं पर कुछ भी बच नहीं पाता, उसके लिए क्या देखना होता है सेकंड हाउस को। अगर कुंडली में सेकंड हाउस ठीक है, अच्छा है, तो जो आप कमाएंगे उससे आप बचा भी लेंगे और साथ ही आपको कहीं से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, जुए से, लॉटरी से, सट्टे से, और इसके अलावा विरासत में ये पूर्वजों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है अगर सेकंड हाउस अच्छा है। पर ये 11th हाउस दिखाता है कि आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, नौकरी में या व्यवसाय में, उसमें आपको आय की प्राप्ति कितनी होगी ये 11th हाउस से। 11th हाउस के अंदर बृहस्पति के लिए कहा गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति, तब तक ये बृहस्पति शुभ रहता है जब तक उसके पिता जिंदा रहते हैं, क्योंकि बृहस्पति पिता का कारक है। जब तक उसका पिता जिंदा है ऐसा बृहस्पति टेवे वाले को, कुंडली वाले को शुभ फल प्रदान करता है, पर जिस दिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो संसार में अकेला रह जाता है। एक तरह से उसे किसी तरह का सहयोग किसी से मिल नहीं पाता और यहाँ तक कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कफन तक पराया हो, यानी कि बड़ा भारी कबीला होते हुए, परिवार होते हुए भी ऐसे व्यक्ति को अंतिम समय स्थिति जो है बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है कि कफन भी जो है उसे दूसरे ही देखे जाते हैं, गिरा के जाते हैं। अब बृहस्पति देव 11th हाउस में, देखिए 11th हाउस हो या कोई भी हाउस हो, मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति देव या कोई भी प्लैनेट हो तो 12 के 12 हाउसेस के अंदर शुभ फल भी देते हैं और अशुभ फल भी देते हैं। डिपेंड करता है, हमें रूल अप्लाई करने के बाद एग्जैक्टली पता लगता है कि वो शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे और उनके लिए क्या रेमेडी हम कर सकते हैं। अब 11th हाउस में बृहस्पति के पहले शुभ हालात के बारे में बात करते हैं। शुभ हालात में सबसे पहले क्या लिखा है, खाना नंबर 3 खाली। अब खाना नंबर 3 यहां से दृष्टि जाती है बृहस्पति देव पे, क्योंकि दृष्टि के टॉपिक में आपको बताया था किन-किन हाउसेस से, किन-किन हाउसेस पर बैठे घरों की दृष्टि जाती है, तो वो टॉपिक आपको जरूर एक बार देख लेना है। उसके लिए वीडियोस के अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं, दृष्टि का टॉपिक है, एस्पेक्ट का टॉपिक है। तो खाना नंबर 3 से दृष्टि जाती है 11th हाउस पे और 9th हाउस पे। 11th हाउस में जब बृहस्पति बैठे हैं और खाना नंबर 3 खाली है तो बृहस्पति क्या कहलाएगा, सोया हुआ। अगर बृहस्पति यहाँ पर सोया हुआ है तो कुंडली के अंदर शनि की हालत कैसी है उस पर फैसला होगा इस घर का। परंतु क्या कहा है, टेवे वाले के लिए हर वक्त उत्तम, यानी कि अगर शनि जो है बहुत अच्छा है या नहीं भी है तो टेवे वाले के लिए यानी जिसकी कुंडली है उस व्यक्ति खुद के लिए ये बृहस्पति देव शुभ फल ही देंगे। परंतु बृहस्पति की और जो चीजें हैं जिनसे, जैसे उनके बाप दादा पिता, उनकी कंडीशन अच्छी होगी या खराब होगी वो डिपेंड करेगा शनि पे। शनि खराब होगा तो पिता की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होगी, आर्थिक हालात अच्छे नहीं होंगे। कई बार बच्चा पैदा होता है, देखते हैं कि पैदा होने के बाद पिता ने बहुत तरक्की करी और कई बार देखते हैं कि उनका कारोबार भी धीरे धीरे खत्म हो गया। तो ये सब कंडीशन देखी जाती है कुंडली में बृहस्पति से। अगर किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे जब वो पैदा होगा
उसके पैदा होने के बाद से उसके पिता के हालात अगर अच्छे नहीं भी हैं तो अच्छे हो जाएंगे, और अगर खराब होगा तो हालात खराब होते चले जाएंगे। तो ये था फर्स्ट रूल। सेकंड में क्या लिखा है, खाना नंबर 3 में सूर्य चंद्र मंगल। अगर सूर्य चंद्र मंगल खाना नंबर 3 में है तो क्या लिखा है, 23 साल ऐशो आराम के बाद मंदी हवा के झोंके। यानी कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में 23 साल का पीरियड जो है वो रहता है गोल्डन पीरियड, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऐश करता है और सारे सुखों का आनंद लेता है, पर उसके बाद उसका दौर एकदम पलटता है और मंदी हवा के झोंके, यानी कि जैसे सब कुछ तहस नहस हो गया, इस तरह का दौर देखने को मिलता है और वह गरीबी के हालात में आ जाता है। अब यहाँ पे इस तरह की का कंडीशन देखने को मिलती है कि सूर्य चंद्र मंगल 3 में और बृहस्पति 11 में, तो क्या कहा गया है, बृहस्पति को कायम रखें। देखिए 11th हाउस के अंदर बृहस्पति देव को ठीक रखने के लिए व्यक्ति को धार्मिक होना बहुत जरूरी है। जितना वो परमात्मा को स्मरण करेगा, धर्म से जुड़ा रहेगा, ये बृहस्पति देव अशुभ फल नहीं देंगे। अगर खराब स्थिति में है तब भी उनके अशुभ फलों में कमी होती जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन है नंबर 5 में सूर्य चंद्र मंगल। अगर नंबर 5 में सूर्य चंद्र मंगल है तो क्या कहा गया है कि भाई या भाई जैसे कि कोई कजन ब्रदर हो या भाई खुद का सगा भाई हो, इनके साथ मिलके अगर वो कोई काम करता है या इनसे अच्छे संबंध बना के रखता है, तो मिलके कोई काम करता है तो उस कारोबार से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा उसे, और संबंध बना के रखता है, मधुर संबंध बना के रखता है, तब भी उसे यहां बैठे बृहस्पति देव अच्छा फल देंगे। नेक्स्ट कंडीशन है सूर्य 1, 4, 5 में। अब कुंडली के अंदर सूर्य देव फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, ये तीनों हाउसेस के अंदर सूर्य देव बहुत अच्छे कहे जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में एक नंबर है, एक नंबर यानी कि मेष राशि में सूर्य देव होते हैं उच्च के, बहुत अच्छी कंडीशन है। फोर्थ हाउस के अंदर सुख भाव में, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है और चंद्रमा सूर्य देव के बृहस्पति देव के परम मित्र हैं, इस घर में बैठ के सूर्य देव भी बहुत अच्छा फल देते हैं। और फिफ्थ हाउस तो उनका खुद का घर ही है, तो यहाँ पे इन तीनों ही घरों में अगर सूर्य देव बैठे हैं तो यहाँ बैठा बृहस्पति 11th हाउस को बृहस्पति बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। आगे राज दरबार से लाभ, आपके काम से मुनाफा। अगर ऐसा व्यक्ति सूर्य देव के काम यानी कि राज दरबार से जुड़कर सरकार के साथ जुड़कर कोई कार्य करता है तो उसे बहुत ज्यादा लाभ होगा। दूसरी कंडीशन ये है, अगर वो आग से संबंधित कोई कारोबार करता है तो उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएगा। उसका कहा गया कि तांबे का पैसा भी जो है वो सोना बन जाए, इस तरह की कहावत कही गई है। नेक्स्ट इज राहु अगर 9th हाउस में। अब अगर राहु 9th हाउस किसका है, बृहस्पति देव का अपना पक्का घर है और इस घर के स्वामी भी बृहस्पति देव होते हैं, तो इसमें उन राहु बैठ जाएगा तो बृहस्पति देव चुप रहेंगे मगर घूमने होंगे। यानी कि यहाँ अगर राहु आ जाता है तो बृहस्पति देव साइलेंट हो जाएंगे, साइलेंट मीन्स ना वो शुभ फल देंगे और ना अशुभ फल देंगे। इस कंडीशन में यहाँ जो अशुभ फल मिलने वाला था वो नहीं मिलता अगर राहु 9th हाउस में आ जाता है। नेक्स्ट रूल है बुध उत्तम या 6 में। अगर कुंडली के अंदर पहले के मैंने सभी हाउसेस में बताया था कि बृहस्पति देव कहीं भी बैठे हैं और बुध अच्छी कंडीशन में है कुंडली में, तो बृहस्पति देव शुभ फल ही प्रदान करेंगे। और बुध के लिए बताया था कि जब बुध का टॉपिक आएगा, देखिए हमारे ये जो 9 प्लैनेट हैं इनके 12 हाउसेस के अंदर अलग अलग जो एक्सप्लेनेशन की जा रही है उसमें जब बुध का टॉपिक आएगा तो जैसे बृहस्पति देव के लिए बताया जा रहा है हर हाउस में कि कौन कौन से रूल अप्लाई करने में हम चेक कर सकते हैं कि बृहस्पति देव शुभ हैं और कब अशुभ हैं, इसी तरह बुध के बारे में भी एक बड़ा टॉपिक है, तो वो जब आएगा तब समझेंगे कि बुध जो है कुंडली में शुभ है या अशुभ है। अगर बुध शुभ कंडीशन में है और 6th हाउस में है, ऐसी कंडीशन में जातक जो है बहुत ज्यादा धनवान होगा, क्योंकि 11th हाउस का बृहस्पति तब बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करेगा और धन का कारक है, तो जब शुभ फल प्रदान करेगा तो धन परिवार सब कुछ बहुत अच्छा देगा, किस्मत उसका बहुत ज्यादा साथ देगी। नेक्स्ट है शनि साथी। अब साथी से मतलब क्या है कि जब दो ग्रह
कोई भी दो प्लैनेट कुंडली के अंदर एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं, यानी कि अब यहाँ शनि की बात हो रही है, शनि बैठ जाए बृहस्पति के घर में, बृहस्पति बैठ जाए शनि के घर में। अब यहाँ पे बृहस्पति देव कहाँ है, शनि के घर में, और बृहस्पति देव के घर कौन से हैं, 12th हाउस 9th हाउस, यानी कि 12 और 9 के अंदर अगर शनि देव बैठ जाते हैं तो यहाँ पे दोनों ही ग्रह शनि और बृहस्पति दोनों का ही फल उत्तम होगा, यानी कि इनसे संबंधित सभी चीजों में आपको बहुत अच्छे फल देखने मिलेंगे। और वैसे भी कुंडली के अंदर शनि और बृहस्पति एक बड़े ग्रह हैं, और जब दोनों ही कुंडली में अच्छे हो जाएंगे तो निश्चित तौर में जाकर धनवान होगा और जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की अशुभ हालात के बारे में, इन कंडीशन में यहाँ बैठे बृहस्पति किस तरह का अशुभ फल देंगे और उनके लिए कैसे हम क्या रेमेडी कर सकते हैं कि उन्हें ठीक रखा जाए। अब अशुभ हालत में पहला पॉइंट है चंद्रमा एक में फर्स्ट हाउस में और बृहस्पति सोया हुआ, बृहस्पति का सोया हुआ होगा जब थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होगा या दृष्टि से मंदा, दृष्टि थर्ड हाउस से दृष्टि आती है 11th हाउस में, यानी कि तीसरा घर जो है वो खाली हो या उसके अंदर आपका बृहस्पति देव के शत्रु ग्रह बुध शुक्र राहु या पापी शनि, पापी शनि का मैंने बताया था आपको, शनि पापी का होते हैं जब शनि के साथ राहु या केतु बैठ जाए या उनपे दृष्टि इत्यादि से संबंध बना ले तो शनि कुंडली में पापी कहलाता है। यहाँ पे उनके एनी प्लैनेट बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई शत्रु ग्रह बैठता है तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी, बृहस्पति देव पे, जो उनको फल को खराब करेगा। और यह तीसरा घर खाली हो और चंद्रमा फर्स्ट हाउस में तो लिखा है इश्क यादि और हसद ईर्ष्या भाई से तबाही की सोना की मिट्टी हो जाए, यानी कि ऐसे व्यक्ति अगर किसी तरह का इश्क रखता है जिंदगी में किसी महिला से या लोगों से बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखता है तो उस कंडीशन में उसका सोना भी मिट्टी हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा अशुभ फल प्राप्त होंगे और पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए पहले भी आपको बताया था यहाँ पे कि जब 11 घर में बृहस्पति है तो आदमी जितना सच्चा और नेक दिल होगा उतना ज्यादा यहाँ पे बृहस्पति के देव के शुभ फल प्राप्त होंगे, बृहस्पति शुभ होना शुरू हो जाएगा अगर वो धर्म की पालना करता है और नेक नियत मंजिल आसान वाली कहावत यहाँ पे फिट बैठेगी। नेक्स्ट रूल है बुध 6 में और चंद्रमा 2 में। अब बुध 6th हाउस में, इससे पहले शुभ हालत में बताया था कि अगर बुध 6th हाउस में है तो बहुत ज्यादा अमीर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बुध 6th हाउस के समय चंद्रमा आ जाए 2nd हाउस में। अब देखिए चंद्रमा जो है 2nd हाउस के अंदर बुध उच्च के हो गए, 6th घर में बुध उच्च का हो गया। अब दोनों प्लैनेट बहुत अच्छे हैं, उच्च के हो गए, पर यहाँ पे समस्या क्या है, 2nd हाउस का प्लैनेट जो है वो दृष्टि डालता है 6th हाउस के प्लैनेट पे, तो यहाँ पे चंद्रमा दृष्टि डाल के और दोनों आपस में क्या है, एनिमी है, शत्रु है, तो जब चंद्रमा की दृष्टि बुध पे आएगी तो बुध का फल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो बुध यहाँ पे शुभ नहीं रहेगा, बुध यहाँ पे अशुभ स्थिति में आ जाएगा, और जब बुध अशुभ स्थिति में आ जाएगा तो अमीर की जगह वो हो जाएगा दुखिया, उसके लिए लिखा है बुढ़ापे में मंदा हाल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है उसकी उम्र लंबी होगी पर उसका जो बुढ़ापा है वो बहुत ज्यादा दुखदायी होगा, उसके नजर कमजोर रहेगी और उसकी मतलब बीमारी हालत हर तरह की जो खराब स्थिति है, एक बुजुर्ग आदमी जो एक खराब स्थिति को फेस करता है वो यहाँ पे देखने को मिलती है अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही हो, क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में कुंडली के अंदर ये रूल अप्लाई होने पे शनि जो है वो मंदे हो जाएंगे और शनि जब मंदे हो जाते हैं तो वो आदमी की नजर को खराब कर देते हैं और बुढ़ापा जो है वो दुखदायी हो जाता है, आयु बेशक लंबी रहे। नेक्स्ट रूल है मंगल 3 में, अगर थर्ड हाउस में मंगल है तो खानदानी मौतों से दुखिया होगा, अगर थर्ड हाउस में मंगल है तो यहाँ पे कंडीशन ये लगेगी कि ऐसे व्यक्ति के परिवार में जो मृत्यु है मौत है वो ज्यादा देखने को मिलती है, खानदानी मौतों से दुखिया होगा, खानदान में उसके सामने इतनी मौतें हो जाएंगी कि वो
इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दुखी रहेगा। पर अगर थर्ड हाउस में मंगल है तो थर्ड हाउस में मंगल के लिए कहा गया है कि थर्ड हाउस के मंगल वाला जो है जिस भी घर में उसकी शादी होती है तो उसके ससुराल वाले उसकी शादी होने के बाद वो लगातार अमीर होते चले जाते हैं। यानी कि जैसे कहते हैं कि दामाद के पैर जो है बड़े शुभ पड़े, तो वो चीज यहाँ पे कुंडली के जो स्टार है वो बताते हैं थर्ड हाउस मंगल आने पर ये कंडीशन खराब रहेगी कि खानदानी बहुत दुखी रहेगा, पर अपने ससुराल के लिए ऐसा जातक बड़ा शुभ रहता है और ससुराल में जो है बहुत ज्यादा तरक्की होने लगती है जब उसकी शादी हो जाती है। नेक्स्ट रूल है बुध थर्ड हाउस में। अब थर्ड हाउस में बुध आ जाएगा तो बुध की दृष्टि कहां जाएगी? बृहस्पति पे, जो शत्रु है। तो क्या कहा गया है? माकूल आमंद होते हुए भी कर्जा ही होगा, पिता से दुखिया। यानी कि ऐसे व्यक्ति पैसा जितना मर्जी कमा ले पर उसके बाद भी उस पे कर्ज जो है बना रहेगा, किसी तरह के कर्ज के बोझ के तले वो दबा रहेगा और पिता से संबंध उसके अच्छे नहीं रहेंगे। पिता को लेके ऐसे व्यक्ति दुखिया ही रहता है। शुक्र उच्च कितना ही उत्तम हो। अब देखिए जब 11th हाउस में बृहस्पति है, एक रूल ये है कि कुंडली के अंदर शुक्र जो पत्नी का कारक है कुंडली में कहीं बैठा हो, 12th हाउस में जहां शुक्र उच्च का होता है, 7th हाउस में अपने घर में, 2nd हाउस में किसी भी घर में बैठा हो, कितना ही अच्छा कुंडली में बैठा हो, पर उस शुक्र यहां पे डैमेज हो जाएगा 11th बृहस्पति के समय। यानी कि उसकी जो पत्नी है वो जीवन भर दुखिया ही रहेगी, किसी न किसी कारण से वो परेशान ही रहेगी, उसकी स्थिति देखने में अच्छी नहीं मिलेगी जिसके 11th हाउस में बृहस्पति है। तो ये हमने बात करी है अभी बृहस्पति देव के शुभ और अशुभ हालात के बारे में। अब देखिए कुंडली के अंदर बृहस्पति देव जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह हैं, 9 के 9 जो हमारे प्लैनेट हैं, उनमें बृहस्पति देव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो धन भाव, संतान भाव, किस्मत, आय भाव और आपका जिंदगी का 12th हाउस जो ऐश्वर्याम का है, इन सभी के कारक हैं। तो बृहस्पति देव का कुंडली में ठीक रहना बहुत जरूरी है, उनको कायम रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ 11th के बृहस्पति के लिए बताया गया कि बृहस्पति को कायम रखें। अब कायम रखने के लिए क्या क्या करना है? एक तो व्यक्ति को हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म से जुड़ा रहेगा जितना, कुंडली बृहस्पति जो कहीं भी हो वो उसे शुभ फल ही प्रदान करेंगे। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिसका 11 बृहस्पति है, ये बृहस्पति देव कुंडली में कहीं भी खराब हुए हैं तो वो हल्दी या केसर का तिलक लगाए। अपने बड़े बुजुर्ग, अपने घर के या बाहर कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण छू के आशीर्वाद लेते रहे। मंदिर के अंदर ऐसा पुजारी जो एक उम्रदराज पुजारी होता है जिसके सफेद बाल हो, ऐसे पुजारी के जाके चरण छुए आशीर्वाद लें, उन्हें कभी कभार पीले वस्त्र दान करते रहें। इस तरह के अगर वो जीवन के अंदर अपने नियम अपना लेते हैं तो बृहस्पति देव कुंडली में कहीं भी हो, अगर खराब अवस्था में भी हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअली ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आपको किस्मत जो अगर साथ नहीं दे रही है, संघर्ष में जीवन है, तो कहीं ना कहीं उस स्थिति में सुधार मिलेगा, धन की समस्या दूर होगी, इनकम में आपको बढ़ोतरी होगी। जितने भी आने की बृहस्पति देव से संबंधित औलाद जो आपके कंट्रोल में नहीं है, पहन नहीं मान रही है, औलाद जो है वो कहीं ना कहीं कहने में आ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति देव कुंडली में ठीक होते हैं तो कुंडली में केतु औलाद का कारक है, स्पेशली लड़के का। तो लड़का अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, आजकल बच्चे जो है वो पेरेंट्स की कम सुनते हैं, तो बच्चे जब कंट्रोल में नहीं होते, कम सुनते हैं, तो कुंडली में कहीं ना कहीं केतु खराब होता है। और केतु भी क्या है? बृहस्पति देव का चेला। जब बृहस्पति देव खुद अच्छी कंडीशन में होंगे तो केतु भी जो है शुभ फल ही प्रदान करेगा और उसके शुभ फल आपको औलाद के थ्रू देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ हमने चर्चा करी बृहस्पति देव के 11th हाउस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बृहस्पति देव के 12th हाउस जिसके वो स्वामी भी है और इस घर का कारक जो है वो राहु है। तो यहाँ पे आकाश का घर है और ऐशो आराम का है, मोक्ष का है। इस घर में बृहस्पति देव किस तरह का शुभ फल देंगे और यहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशन, इस तरह का परहेज बताया गया है,
और कौन सी रेमेडी के द्वारा यहाँ बैठे बृहस्पति देव के आप बहुत ज्यादा शुभफल प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।